मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाली राजस्थान की पहली रियासत जयपुर यानी आमेर थी। जयपुर शासक बार्मल ने 1562 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह नारायण। आप देख रहे हैं निष्कर्ष क्लासेज, राजस्थान कला संस्कृति खास सीरीज लोक देवियाँ। साथियों, हम बात करेंगे आज शीला देवी की। मैंने आपसे जब पहले जिक्र किया था आपका मुगल वंश और राजस्थान के कछुआ वंश के शासक मानसिंह का। साथियों, अकबर ने मानसिंह की तैनाती बंगाल में की थी। बंगाल से दो समान रूप से दो धाराएं राजस्थान पहुंचती है। नंबर एक वैष्णव परंपरा सगुण भक्ति धारा में गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर गोविंद देव जी का, और सेकंड आगे बात करेंगे हम शीला देवी की। साथियों, शीला देवी जयपुर के कछुआ शासकों की आराध्य देवी हैं। कंफ्यूज करने वाली बात आपको ये, कछुआ शासकों की कुल देवी, कुछ शासक कुल देवी जमवाई माता या जमवाई देवी, जिसका मंदिर जमवा रामगढ़ जयपुर में है। साथियों, जयपुर शासक मानसिंह प्रथम ने बंगाल के शासक राजा केदार को हराकर बंगाल के जैसोर नामक स्थान से ये मूर्ति, यानी काले रंग की जो मूर्ति लेके आए, और उन्होंने इस मूर्ति को आमेर के महलों में स्थापित करवाया था। साथियों, आमेर के महल में स्थापित शिला देवी की मूर्ति अष्टभुजी है, जो अष्टभुजी प्रतिमा है, और इसको महिषासुर मर्दिनी का रूप माना जाता है। सबसे अलग विशेषता इनकी ये है कि शिला देवी की मूर्ति एकमात्र लोक देवी है जिनकी मूर्ति पर पंचदेवों की मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं, साथियों, शिला देवी का मेला चैत्र व आश्विन नवरात्रा के दिन भरता है। साथियों, यदि आप हमारा वीडियो फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। यदि हमारा वीडियो आप यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल निष्कर्ष क्लासेस जरूर सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। आप अपने सुझाव हमारे कॉमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि हम अगली बार सुधार के साथ आपके बीच आ सकते हैं। ठीक, साथियों, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में। तब तक जय माता दी।